हेलो फ्रेंड्स, जगजीत बेबी हियर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम कलरफुल मोटे मोटे बीट से बच्चों के लिए ज्वेलरी बनाएंगे। बहुत सुंदर ज्वेलरी, आप देखिए बहुत प्यारी ज्वेलरी, मल्टी कलर में बीट्स लिए मैंने ये, और ये मैंने मोटा धागा लिया है, हेयर बैंड है और ब्रेसलेट, ये सब बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये धागे में मैंने बीट्स डाल दिए, थोड़े से बीट्स आपके सामने डालती हूँ, बड़ी आसानी से डल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बीट्स बड़ी आसानी से डल जाते हैं, आप भी डाल सकते हैं आसानी से। बीट्स के एक तरफ मैंने कुंडा लगा दिया, एक तरफ मैं कुंडा लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया इस तरह से और इसको पकड़ के दो तीन गांठ लगा देनी है, इस तरह से कसकर आप गांठ लगा दें। और इसका धागा काटना नहीं है क्योंकि ये बहुत मोटे बीट्स हैं, इसका धागा इसके अंदर चले जाता है इस तरह से। तो ये आपकी गले के पास की माला बन गई, बच्चों की गले के पास की माला बन गई। ये देखिए इस तरह से ये कितनी प्यारी सुंदर माला बनी है। अब मैं इसी तरह की आपको लॉन्ग माला बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने बड़ा धागा लिया है, उसमें बड़े सारे बीट्स डाल दिए, बाकी बीट्स मैं आपके सामने डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए बड़ी जल्दी डल जाते हैं, मोटे धागे में मोटे बीट्स का ये होल भी बड़े मोटे मोटे हैं। ये मैंने डाल दिए, अब मैंने इनको पकड़ के बिल्कुल पास ले आकर धागे को इनको गांठ मार देनी है, दो तीन इस तरह से दो तीन गांठ मार दें और पास से बिल्कुल काट दें। इसके जो नॉट है वो बीट्स के अंदर चली जाएगी क्योंकि बीट्स बहुत मोटे हैं, बिल्कुल अंदर चली गई, आपको दिखाई भी नहीं देगी। देखिए तो ये इस तरह से फैली जाएगी। देखिए अब मैं आपको इसका ब्रेसलेट बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने लास्टिक लिया है, लास्टिक में मैंने थोड़े बीट डाल दिए, थोड़े मैं आपके सामने डालती हूँ। ये देखिए बड़ी आसानी से डल जाते हैं, इनको मैंने गांठ लगाई, दो बार लगाई, तीसरी बार लगाकर मैंने खींच देना इस तरह से ताकि लास्टिक के वो जो पकड़ अच्छी हो जाए, फिर पास से काट देना है और इस तरह से इसको खींच देना, बीट्स के अंदर चलेगी, नॉट बीट्स के अंदर चलेगी। ये देखिए इस तरह से बनी। दूसरा भी एक और बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने लास्टिक में थोड़े बीट्स डाले हुए हैं, थोड़े आपके सामने डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिए ये बीट्स, अब मैंने किनारे से इसको पकड़ कर दो तीन बार इसको नॉट लगानी है, इस तरह कस कर नॉट लगाएं और तीसरी वाली को लगा कर खींच देना है इस तरह से, बिल्कुल पास से खींच दें और बिल्कुल पास से काट दें और इसको एक बीट को नॉट के ऊपर सरका दें। ये देखिए इस तरह से बनेगी। अब मैं आपको हेयर बैंड भी बनाकर दिखाती हूँ। ये हेयर बैंड है प्लेन, आप देख सकते हैं ये बीट्स हैं। अब मैंने इसके अंदर ये बीट्स इस तरह से डाले, आप देख सकते हैं इस तरह से ये बीट्स डाले मैंने। मैंने साइड में थ्री बीट्स ही रखे हैं अपने डिज़ाइन में, ये मैंने थ्री बीट डाले। डार्क कलर का मैंने एक पाइप क्लीनर लिया और इस बीट्स के अंदर से इस तरह से निकाल दिया। आपने जिस प्लेस पर रखना है उस प्लेस पर ले जाएं आप, मैंने यहाँ रखना है तो यहाँ ले गई, आप यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ ले जाएं, जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ ले जाएं और वहाँ पर जाकर आपने पाइप क्लीनर उसके अंदर से निकाल देना इस तरह से। ये देखो पाइप क्लीनर मैंने निकाल दिया। अब ये थोड़ा हिस्सा इधर निकाल के इसको मैंने, इसको ये वायर है, वूल की वायर है एक्चुअली में, बहुत सॉफ्ट और बहुत पतली है। देखिए ये मैंने ऊपर से घुमा दी, ये इस तरह से ऊपर से यहाँ बंद हो गया। अब ये वाला नीचे वाला हिस्सा भी मैं इधर से इस तरह से घुमा दूंगी, इसके होल की मोटाई तक इसको घुमा देना है और इसको पास से काट देना है, बिल्कुल पास से काट देंगे। और जो इसका सिरा है वो इस बीट्स के अंदर ही घुमा देंगे, इस बीट्स के अंदर ही चला जाएगा, वो हमें चुभेगा भी नहीं, बालों में भी नहीं अड़ेगा, इस बीट्स के अंदर चला गया। देखिए और ये इस तरह से बन गया, ये देखो कितना भी कर लो गिरेगा नहीं। तो ये मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ, ये इस तरह से इसकी लुकिंग आएगी। तो आप देखिए ये ज्वेलरी, सारी बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह की ज्वेलरी पहन के। तो मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ। ये हेयर बैंड है, ये आपकी लॉन्ग माला, ये आपके ब्रेसलेट, आप देख सकते हैं ब्रेसलेट, और ये आपकी इस तरह की माला, छोटी माला।
ये छोटी वाला है, आप देख सकते हैं, ये दो ब्रेसलेट हैं, देखिए गुड लक, आप भी ट्राई कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा।